ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ही सच्ची कहानी है और मैं अपनी खुद की कहानी बता रही हूँ। शादी के 20 साल बाद मेरी बेटी हुई और वो भी लॉकडाउन में 30 अप्रैल 2020। और उस लॉकडाउन में कैसे साईं बाबा खुद आके हेल्प किए, क्या क्या हुआ, क्या क्या समस्याएं हुआ और कितनी आसानी से, कितने अच्छे तरीके से दिल्ली के एम्स में मेरा डिलीवरी हुआ। सच में अगर ये घटना सुनेंगे, घटना ही कह सकते हैं, तो सच में आश्चर्य लगेगा कि ये कोई फिल्म की कहानी है, लेकिन फिल्म की नहीं, मेरी रियल स्टोरी है। और सच में भगवान होते हैं। मैं तो कितना वीडियो लाई हूँ और इस वीडियो से सच में आप लोग थोड़ा महसूस करेंगे कि सच में भगवान होते हैं। ऐसे टाइम पे जब लॉकडाउन में इतनी भयानक बीमारी और उस मतलब जो अपने होते हैं वो भी देखिए डर के मारे मतलब डिलीवरी के टाइम पे मदद नहीं करते हैं, क्योंकि सबको देखिए अपनी जान प्यारी होती है और ये कोई पाप भी नहीं है, क्योंकि जान से बढ़ के तो देखिए कुछ नहीं होता है। और ये बीमारी ही ऐसी थी कि मतलब बहुत अच्छे खासे लोगों को भी मतलब डर लग रहा था। हालांकि खैर मैं अपनों जो मेरे जो अपने हैं उनको मैं सपोर्ट कर रही हूँ ये लाइन बोल के कि ये बीमारी है जो डरना चाहिए, लेकिन एम्स में उस टाइम पे भी बहुत भीड़ थी, बहुत लेडीज़ लोग का डिलीवरी हुआ। एक मैं ही थी जो मैं घर के बाहर के लोगों से मदद लेके एडमिट हुई थी, बाकी सभी लोग कोई ससुराल वाले, कोई मैके वाले, कोई भाभी, कोई नंद, कोई जेठानी, कोई देवरानी, कोई बहन, कोई माँ, कोई सास, कोई बुआ, मतलब कोई ना कोई रिलेटिव में ही थे, वो भी एक नहीं दो दो लेडीज़। वैसे तो एक का अलाउड था, लेकिन किसी किसी को मतलब दो दो भी आए हुए थे। और मिलने मतलब हैरान हो जाएंगे, ऐसे टाइम पे जो दूर भागता है हॉस्पिटल से, वो भी दिल्ली जैसे हॉस्पिटल में, कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी रिश्ते निभाते हुए देखा कि डिलीवरी होने के बाद लोग मिलने भी आ रहे हैं। मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कहाँ से कूट कूट के लोगों में प्यार अटैचमेंट भरा हुआ था, जो इतनी बड़ी बीमारी में भी डरे नहीं और माँ को और बच्चे को देखने आ गए। लेकिन मेरी कहानी बिल्कुल ही अलग है। अब क्यों अलग है, बस भगवान के पास ही सवाल जवाब है। मैंने तो ऐसा देखिए कुछ किया नहीं, लेकिन वक्त हालात ही कुछ ऐसा थे कि मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेटी जो जन्म ली है, आज अभी तो 4 साल की हो गई है, 4 साल पहले की कहानी बता रही हूँ। एक्चुअली मैं 5 साल कैसे कंसीव हुई, कंसीव करने से पहले मेरे घर में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और 9 महीने कैसे बिताए, वो स्टोरी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब यहाँ तक पहुँची हूँ कि मेरा डिलीवरी कैसे हुआ और कौन कौन मदद किए, कैसे हुआ, वो सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सच में चमत्कार हो गया था। मतलब जब उस टाइम पे कोई हेल्प के लिए मतलब उस हिसाब से आगे नहीं बढ़े जो बढ़ना चाहिए था, दिख जाता है ना एक फॉर्मेलिटी का और एक सामने वाले सच में चाहते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए हम तो हम नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ मैं रिश्ते के मामले में कंगाल हूँ, तो होगा भगवान से, तब धीरे धीरे सारे रिश्ते ख़त्म करके मुझे सन्यास के रूप में लेके जाना चाह रहे हैं। मतलब कुछ कुछ लोगों जो ज्ञानी हैं वो यही कह रहे हैं, रिश्ते तभी ख़त्म होते हैं जब आपको पूरे दुनिया मोह माया मतलब ख़त्म होता है, तो रिश्ते भी दूर हो जाते। तो शायद ऐसे ही कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या बात है। तो मतलब उस टाइम पे ऐसा बीमारी था कि सच में सब डरेंगे और मैं भी डरती थी कि 20 साल बाद मेरी बेटी तो नहीं कह सकते हैं, बेटा या बेटी जो भी होता, तो वो कलंक ना बन जाए। क्योंकि यकीन मानिएगा मैं और मेरे हस्बैंड तो ये सोच के हॉस्पिटल गए थे, सही बोल रही हूँ, 1 महीना
पहले से लॉकडाउन था और 24 घंटा में मैं 17-18 घंटा सोचिए टीवी न्यूज़ देखती थी, और मतलब हर जगह की, देश विदेश हर जगह देखती थी कि कौन कितना ख़त्म हो रहे हैं, खासकर जो माँ बन रही हैं उन माँ के साथ क्या हो रहा है, बच्चे के साथ क्या हो रहा है। तो मैं बिल्कुल ही उम्मीद नहीं करके गई थी। मैं अपनी बड़ी बेटी से, ये जो मेरे साथ में है, उसको मैं गले लगा के मतलब मिल के गई थी। एक रात पहले ही हमें पता चल गया था कि एम से फ़ोन आ गया था कि आपका डिलीवरी का टाइम हो गया है, आपको जाना है। और सही बोलूं बुधवार में फ़ोन आया और थर्सडे में बुलाए थे। मतलब साईं बाबा का इसलिए मैं कह रही हूँ कि और भी आगे थोड़ा दिन था, लेकिन वो थर्सडे में ही मेरी बेटी हुई है। और कैसे कैसे हुई है, जिस दिन एडमिट हुए उसी दिन सारा टेस्ट हुआ, दोपहर तक मैं एडमिट हुए और रात में मेरी बेटी हो गई है। तो मैं बड़ी बेटी से मिल के गई थी कि अब शायद मैं और तुम्हारे पापा, थोड़ा बता के भी गई थी कि मैं और तुम्हारे पापा हो सकते हैं ना आए, जो देख रही हो तो चाची दादी उधर मौसी नानी लोग हैं, सबके साथ ठीक से रहना पढ़ना, जो एक माँ का जो प्यार कहिए आशीर्वाद कहिए, वो मैं बड़ी बेटी को देख गई थी। उम्मीद नहीं था कि हम लोग वापस आएंगे, मतलब तीनों में से तीनों। और साथ में हम मेरे गई थी काम वाली, कह के तो देखिए उसको तोहीन करेंगे, लेकिन फिर भी वो बेचारी, मैं काम वाली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने काम केयर करने के लिए रखा था, और लेकिन फिर भी वो काम वाली नहीं साबित हुई। सही बोलूँ तो साईं बाबा खुद किसी को, खुद कहते ना खुद नहीं आ सकते, तो मतलब वो इनडायरेक्टली किसी को भेज के वो अपना सारा फ़र्ज निभाए, अपने पिता का फ़र्ज निभाए। और मतलब बच्चे परेशान जब होते हैं तो सच में भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना देते हैं, इसी विश्वास के साथ। सोचिए डिलीवरी के बाद भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं डगमगाती नहीं हूँ। मुझे हर पल महसूस होता है कि साईं बाबा मेरे आसपास हैं। अभी भी मेरे हस्बैंड के कितने मुश्किल से अभी नाक का ऑपरेशन हुआ, पिछले साल आँख का ऑपरेशन हुआ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बहुत से परेशानी से जूझ रही हूँ। मेरा जब कई सारा वीडियो देखेंगे तो प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन विश्वास नहीं डगमगा रहा है। सच में हर पल पल यही मतलब भगवान एहसास कराते हैं कि वो हमारे साथ है, मतलब बस कर्म अपना करते रहो। तो बस यही हुआ कि ऐसे टाइम पे जो परछाई भी मतलब छोड़ देती है, और वो काम वाली मैंने, अब थोड़ा बैक में जाती हूँ, जब मैं 6-7वें महीने में कंसीव कर रखी थी और पहले से काम वाली लगाया था, दुर्गा पूजा में जब ब्लीडिंग आई थी वो बोल के गई थी कि मैं कुछ ही दिन में आ जाऊँगी, फिर वो वहाँ से टाइम बढ़ाती रही। छठ पूजा में गई थी नवंबर, फिर दिसंबर में बोली मैं आ जाऊँगी, क्योंकि अच्छा खाना बनाती थी और बहुत ही अच्छी मिली थी, इस वजह से हमने नया काम वाली नहीं रखा। तो देखिए ये सब भी दया भावना रखनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप अपने फ़ायदे ना देख के आप दूसरे को फ़ायदा देखते हैं। मैंने सोचा उनको कुछ मतलब इनकम हो जाएगा, ये सोच के मतलब उसी को हम रखेंगे, अच्छा काम भी करती हैं आ जाएंगी। मुझे काम नहीं करना था, मुझे 9 महीना रेस्ट पे था, डॉक्टर ने बोला था, लेकिन फिर भी मैं वेट की, नहीं आई। जनवरी में जब मैंने सबको बता दिया, जनवरी फरवरी में, तो फिर मैंने सोचा अब जब सबको बता दिया है तो मैं काम वाली रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना मैं बना नहीं पाती थी और ठीक से खा नहीं पाती थी, और खाना उस टाइम बहुत ज़रूरी था। आज जो देखिए मेरे शरीर में ये जो हालत है, इसी सब का नतीजा है। जो 9 महीना एक माँ को खाना चाहिए था वो मैं नहीं खा पाई, और मेरी बेटी भी बहुत मतलब जन्म तो ठीक ली थी थोड़ा, लेकिन उसके बाद तो मेरे दूध नहीं हुआ था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बहुत कमज़ोर। अभी भी और बच्चे के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर ही है, फिर भी देखिए भगवान क्या चाहते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर का कहना है कि ठीक हो जाएगी।
तो फिर मतलब सिंपल लाइन में तो बता दूं, जो मेरे फ्रेंड्स इतना लंबा वीडियो नहीं देखेंगे, तो सच में साईं बाबा का चमत्कार हुआ था। और कोई अगर घर के लोग नहीं गए तो वो काम वाली गई, और 4-5 दिन जो भी हॉस्पिटल में रहते हैं वो हॉस्पिटल में रही और पूरा केयर की, और घर आके टोटल मतलब 10 दिन और रही, मतलब टोटल 15-17 दिन ही रही। और टाँका जिस दिन मेरा कट गया तो कल होके चली गई। मतलब तो आप कह सकते हैं कि साईं बाबा ने ही उस बच्ची को, बहुत कम उम्र की थी, 18-20 साल की ही थी, ज़्यादा एज की भी नहीं थी, लेकिन सोचिए उसने हॉस्पिटल में भी सब कुछ संभाल दिया और घर में भी आके जितना उसे संभालना था, मुझे, मेरे हस्बैंड को, बेटी का खाना, मेरा खाना, अपना खाना, सफाई, बच्चे का, क्योंकि बाहर का कुछ नहीं करना था, मेरा ही दूध पीती थी, बाहर का नहीं पीती थी। लेकिन फिर भी जो एक केयर होता है अकेले, मतलब 15 दिन, 15-17 दिन टोटल संभाली, और उसके बाद फिर वो चली गई। तो ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, ताकि जो लंबा वीडियो नहीं देखेंगे वो बस यकीन कीजिएगा कि सच में दुनिया में भगवान है, और वो आप अगर सही होते हैं तो हर पल पल में जब भी आपको ज़रूरत होती है, तो भले ही वो एक दरवाज़ा बंद करते हैं, कोई ना कोई दरवाज़ा ऐसा खोल ही देते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल ही जाती है। तो इस तरीके से मुझे मदद मिला और डिलीवरी भी ठीक से हो गया, और जितना संभालना था संभाल दी। हाँ, उसके बाद जो परेशानी हुआ वो सब मैं धीरे धीरे आगे इस वीडियो में, या मौका मिलेगा आगे तो मैं शेयर करूँगी। अभी मैं थोड़ा बैक में जाती हूँ कि आखिर वो काम वाली मिली कैसे। तो जनवरी फरवरी में जब मैंने सबको बता दिया, तो मेरी जॉइंट फैमिली है, देवरानी और मदर इन लॉ सब लोग, लेकिन खाना होना, देखिए अब मेरा तो बहुत मुश्किल से शादी के 20 साल बाद कंसीव हुआ, तो मुझे तो रेस्ट पे था, तो मुझे तो पर्सनल, फिर भले ही जॉइंट फैमिली का बिजनेस था, लेकिन मेरे हस्बैंड पैसे से कोई भी हेल्प नहीं किए। मेरा 13 साल इलाज चला, लेकिन मैं जो भी इलाज का खर्चा हुआ, आना जाना जो भी है, मैक्सिमम मैं अकेले ही जाती आती थी, और पैसे भी मैं खुद ही खर्च की, और जॉब करती थी मैं, और बिजनेस भी करती थी ट्रेडिंग का, तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, जिसकी वजह से मैं इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरी जो देवरानी है उसको नॉर्मल ही कंसीव हुआ था, तो हेल्प मतलब जॉइंट फैमिली, मतलब मेरी मदर इन लॉ तो पूरा हेल्प करती ही थी, वो आज भी काफ़ी एज की हो गई हैं, सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी देवरानी नहीं, तुम्हारी सासू माँ की हेल्प करती है, तुम्हारी सासू माँ की वजह से तुम्हारी देवरानी को फ़ायदा होता है। तो मैं हंस के टाल देती हूँ, मैं बोली वैसी परेशान हूँ, क्यों मेरे कान भरते हैं। और देवरानी ने ऐसा कुछ पिछले जन्म में किस्मत पाई होगी, हर तरफ से, अगर मान लीजिए ससुराल वाले, सास ससुर, पति, सब रिश्तेदार अगर कॉपरेट कर रहे हैं, तो ज़रूर कुछ पिछले जन्म में कर्म की होगी, जो उसको मान लीजिए बैठे बैठे हर चीज़, चाहे सास मतलब काम में मदद करती हैं, चाहे पैसे प्रॉपर्टी जो भी है उसको फादर लॉ दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं, तो ये किस्मत उसकी होगी। अब उसकी किस्मत से तो मैं तो नहीं जल सकती ना, जितना जलूंगी तो अपना बर्बाद करूंगी, क्योंकि कई स्टोरी मैं लेके आऊंगी कि जलने वाले का खुद ही विनाश होता है, तो मैं क्यों जलूं। अब होगा, हाँ वो अलग बात है कि वो अपना ये जन्म खराब कर रही है, क्यों कर रही है वो मुझे नहीं पता, वक्त वक्त की बात होती है, संगत का असर है, कई लोग कहते हैं ऐसे संगत में पड़ गई है कि जो लोग सिखाते हैं समझाते हैं, बाकी अब कहते हैं ना, अपने बच्चे के फायदे के लिए देखिए आप सारे रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं, सारे रिश्ते को खो सकते हैं। अगर जिस दिन से मान लीजिए पता चला कि हाँ
जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मेरे हस्बैंड को या मेरी बेटी को नहीं साथ देंगे, मेरा तो खैर साथ शुरू से नहीं दे रहे थे, कुछ भी मदद नहीं करेंगे, कुछ भी पैसे से प्रॉपर्टी से हेल्प नहीं करेंगे, आगे जो भी देंगे करेंगे बस वो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ मतलब अपने ही छोटे बेटे और बहू के साथ पोता पोती के साथ रहेंगे, और वो मेरे फादर इन लॉ ही डिक्लेयर कर दिए। तो जब आप पेरेंट्स हो कि अगर आप ये चीज़ छोटे या बड़े के दिमाग में डाल देंगे, बता देंगे ना, तो वो बच्चे फिर क्या करेंगे, वो तो फिर सोचेंगे बस मुझे तो बस एक ही रिश्ते को निभाना है, जो अपना तो मिल ही रहा है प्रॉपर्टी, दूसरे का भी मिल रहा है, तो वो दिन रात गुणगान तो देखिए सास ससुर का ही गाएगी ना, मेरा और वो जेठ जी का क्यों रिश्ता रखेगी ऐसे रिश्ते, क्योंकि आजकल देखिए हर रिश्ते फ़ायदे के लिए होता है, जब तक कोई रिश्ते में आपका फ़ायदा नहीं होगा ना आप रिश्ता नहीं रखेंगे। तो ये सब चीज़ पहले पहले होता होगा, लोग कहते हैं कि वो ऐसे ही शुरू से थी, तुमको लग रहा था कि अब बदल गई है, वो शुरू से ऐसी थी, तुम पहचान नहीं पाई, तो हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन डिलीवरी के बाद तो खैर अच्छे से धीरे 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 नहीं बहुत जल्द दिखने लगा, वो सारा मैं लाऊंगी कहानी। तो जब मैं बताई तो खुश थी, और कॉपरेट जितना मैंने उसके डिलीवरी से पहले किया था, मैं जॉब करती थी और मेरी मदर इन लॉ भी पूरा घर का काम झाड़ू पोछा खाना एक टाइम का कभी दो टाइम का भी बना लेती थी, रात में रोटी और जो नाश्ता वास्ता होता था वो मेरी देवरानी बनाती थी, तो ज़्यादा उसको ज़्यादा मतलब आराम की ज़रूरत नहीं था, डॉक्टर ने मेरी इतना रेस्ट नहीं बोला था, तो वो कभी भी काम वाली नहीं लगाई डिलीवरी के बाद भी नहीं, जबकि सब लोग कह रहे थे कि मतलब मैके चले जाओ क्योंकि यहाँ पर कौन संभालेगा, मदर इन लॉ के मतलब हमारे घर में डॉगी भी था और सब लोग भी थे, तो मम्मी मम्मी ने भी मेरी जो सासू मदर इन लॉ है वो भी बोली थी कि मैके चले जाओ, पहला बच्चा मैके में हुआ था दूसरे में भी, लेकिन वो नहीं गई। मैंने भी इनडायरेक्टली बोला कि देखो यहाँ पर बेटी को छोड़ दो और मैके चले जाओ, ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि यहाँ कौन आराम देगा, मम्मी तो पूरे दिन घर में काम करती रहती हैं और नहीं तो डॉगी को देखती रहती हैं, तो अगर तुम्हारी बेटी को यहाँ संभाल दे और अगर हस्बैंड भी यहाँ रहेंगे मतलब मेरे देवर, और मैं भी जॉब करती हूँ तो दिन में तो मेरे हस्बैंड और बेटी सब लोग मतलब तो खाना पीना मतलब प्रॉपर काम तो होता ही है, तो वो संभालेंगी कि तुमको संभालेंगी, नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा है जैसे बड़ी बेटी में आराम से मैके में की हो वैसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना जगह चेंज करने से बेटा बेटी का फ़र्क होता है, तो शायद हुआ भी मैके में उसको बेटी हुआ बड़ी वाली और नोएडा ससुराल में बेटा हुआ, तो खैर मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो जो जितना मैं मदद करती हूँ, जो मैं गिफ्ट देती हूँ, जैसे मैं पूजा करती हूँ, जो मैं करती हूँ, तो नाप तोल के सेम टू कॉपी जो कार्बन कॉपी बोलते हैं अच्छा भी लगता था, अब था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब बड़ा और सा लगता है कि इतना क्या नकल करना, और अब जो कर रही है वो अपना दिमाग चला रही है 4 साल से, पहले भी अपना दिमाग चलाती थी लेकिन मेरे नज़र में यही था कि जो मैं कर रही हूँ, चाहे मैं जिस रिश्तेदार को कुछ दे रही हूँ, कुछ खिला रही हूँ, कुछ नेबर फ्रेंड में कुछ दे रही हूँ, तो उसको मतलब वो चीज़ देना ही देना है, या हम आपस में भी अगर कुछ लेनी देनी गिफ्ट करते थे बच्चे को आपस में अपने सालगिरह में कुछ भी, तो वो सेम चीज़ करना है। अब बस बुरा इसलिए लग रहा है कि अब जो 4 साल कर रही है ना, तो 4 या 5 साल से, तो वो सोचिए जो मैंने सपने में भी नहीं किया ना वो अब कर रही है, तो अब उसका गुरु कौन है, मतलब कहते हैं ना गुरु गुरु ही रहता है और शिष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, तो मेरी देवरानी मुझे सही बोलूँ राज की बात बोलती तो थी कि आपकी वजह से मतलब मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ, आप समझाते हो, जैसे आप कुछ में गलती करती हूँ जैसे सोनी मेरी आप अपनी बड़ी बेटी को समझाते हो वैसे ही मुझे भी बता दिया करो, मैं वही सेम कर लूँगी, और मतलब जो भी जैसे मान लीजिए मेरी शादी के बाद मैं बहुत संघर्ष की हर चीज़ में, पूजा में, मंदिर जाने में, आस पड़ोस जाने में, साड़ी में पहनना पड़ता था,
फिर मैं संघर्ष करके सूट पहनी, पूजा पाठ की, मंदिर गई। मतलब मेरे लाइफ में, खैर मैं जब से सोशल मीडिया में आई हूँ, और बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी बहू या मैकेम बड़ी बेटी को बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है, घर के बड़ी बेटे को जितना संघर्ष करना पड़ता है बड़ी बहू को उतना छोटे बेटा और बहू को नहीं करना पड़ता है। तो वो उसके लिए भी मुझे खुश हो के बोलती थी कि आपने, मुझे पता है जितना आप संघर्ष करके घर में रूल चेंज किए हो, चाहे सूट पहनना, चाहे कहीं आना जाना, चाहे कुछ भी अपने मन से बनाना, करना, बोलना, जो भी है, वो सारा चीज़ मुझे भी कम से कम बिना संघर्ष के मिल गया। तो ये होता है, जैसा आप बड़े का जो रूल रेगुलेशन होता है, प्रॉब्लम होता है, छोटे भाई बहन को भी नहीं होता है। और ससुराल में जो और देवरानी वगैरह आते हैं, जेठानी को जितना दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उतना देवरानी को नहीं करना पड़ता है। तो खैर मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि मेरे इतना उसको दुख तकलीफ क्यों नहीं हुआ एक ही घर में रहते हुए। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैंने कई लोगों को बोला, जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ ही गलत क्यों हुआ, देवरानी के साथ गलत क्यों नहीं हुआ, तो बस मैं यही कहूँगी कि जब सारा संघर्ष करके एक एक चीज़ में मैं बदलाव ले आई, हर एक चीज़ में, तो अगर मदर इन लॉ फिर से मुझे नहीं रोकती टोकती, मैं तो इतना संघर्ष की कि सोचिए, मैं अपनी बेटी को 1.5 साल छोड़ के मैं जॉब करने लगी, जो सर पे पल्ला रख के झाड़ू पोछा मेरी सासू माँ एक 1.5 साल तक लगवाई, साड़ी ही पहनना था, बालकनी जाती शहर में, बताइए कौन सर पे पल्ला बालकनी में रखता है, यहाँ कोई ना समाज है ना कोई है, यहाँ की जो आसपास की बहू मतलब चुन्नी तक नहीं लेती थी सूट पे, और मुझे बालकनी में अगर मैं कपड़े भी डालने जाती थी तो भी मुझे वो डालना पड़ता था, सर पे पल्ला रखना पड़ता था। तो मैं भी सोचती थी, गांव घर में मैं देखी थी कि सबसे पल्ला रखना पड़ता था, तो मैं भी कई महीने साल तक सर पे पल्ला रखी। लेकिन एक ऐसा दिन आया कि सोचिए, इसी एरिया से, इसी सोसाइटी से फिर मैं जॉब भी करने लगी। तो जब तक देवरानी की शादी हुआ, तो जब मुझे फ्रीडम मिल गया, तो देवरानी को मेरी मदर इन लॉ क्या, किस मुंह से उसको कैद करती, कैसे? बड़ी बहू जॉब कर रही है, सब अपना ख्वाहिश पूरी कर रही है, कमा रही है, खरीद रही है, पहन रही है, खा रही है, पी रही है, सब कुछ कर रही है, तो छोटी बहू को कैसे कैद करती? इसलिए छोटी बहू को हर जेठानी मतलब गिफ्ट के रूप में, जैसे घर को लोग शादी में सजाते हैं ना, तो ऐसी जो भी गंदगी होता है ना, तो देवरानी के शादी से पहले बहुत कुछ जो घर के अलाई बलाई होता है वो अपने सर पे बड़ी जेठानी ले लेती है। ये मेरी ही कहानी नहीं है, ये बहुत बहुत घरों की कहानी है। तो चलिए, ये तो मैं कौन से टॉपिक बोल रही थी और कहाँ पे आ गई, तो हाँ, तो वही डिलीवरी में जो मैं उस वो आराम खाना पीना तक ही बस सीमित रखी, और उसको इतना आराम की ज़रूरत नहीं था, तो उतना ही वो मुझे भी नाप तोल के, जो भी मतलब खाना पीना जो भी होगा, वो 9 महीना तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लास्ट के महीना 2 महीना लॉकडाउन हुआ, तो मतलब मेरी देवरानी ने भी सारा आइटम, सारा, झूठ नहीं बोलूँगी, सब अच्छे से जो भी खिलाना पिलाना है वो भी की, और इधर मैं और मेरी बड़ी बेटी मिलके, क्योंकि वो 10th में आ गई थी, तो फिर 17 साल का मेरी दोनों बेटी में गैप है, तो वो सीखने के बहाने हमने भी बनाया, और हम लोग भी मतलब ससुराल में जो भी लोग हैं उन लोग को देते थे, तो वो टाइम तो निकल गया। हाँ, तो काम वाली जो बात हुई, तो जैसे मान लीजिए मैं काम वाली ढूंढ रही थी, मिल नहीं रही थी, तो मेरी देवरानी ने वैसा मुझे ऑफर नहीं दिया कि आप क्यों परेशान हो काम वाली के लिए, थोड़ा ही तो काम होता है, बाकी मतलब जेठ जी या आपकी बेटी तो कर ही लेती है, थोड़ा बहुत आप भी कर लेते हो, थोड़ा बहुत हम और मम्मी जी भी, मतलब मेरी सासू माँ भी मदद कर देगी, आप काम वाली क्यों ढूंढ रहे हो। उसने ऐसा हक से मुझे नहीं बोला, और यहाँ तक कि डिलीवरी के लिए भी उसने मुझे कुछ नहीं बोला कि हाँ मैं मदद करूँगी, जबकि मैं नॉर्मल में उसे कर चुकी थी, और मैं बार बार वीडियो में बोली हूँ
कि जरूरी नहीं है कि मेरी देवरानी ने देवरानी को मैंने मदद किया तो वो मुझे मदद करती, और मैंने ये सोच के मदद नहीं किया देवरानी को कि कल को मैं भी माँ बनूँगी, क्योंकि मुझे देखिए उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था कि मैं दोबारा इतने सालों बाद माँ बनूँगी। और देखिए 6 साल बाद मेरी देवरानी की शादी हुआ, तो अगर मुझे उससे हेल्प लेना होता इस वजह से मैं नहीं गैप दी, नहीं हुआ, वो तो मेरा हुआ ही नहीं। और प्लस 6 साल में तो मेरे 2 बच्चे हो चुके होते, जैसे बड़ी वाली बेटी को मैके में जा कर संभाली तो ऐसी मैं छोटी वाली को भी संभाल लेती। मैं क्यों इंतज़ार करती देवरानी का, कौन करता है देवरानी का इंतज़ार कि भाई देवरानी करेगी। तो लेकिन वो सब होना था, मैं कहती हूँ ना बार बार जरिया बनाते हैं। तो देवरानी जानबूझ के नहीं गई, वो बताऊँगी क्यों नहीं गई, वो किसी और के भरोसे, मतलब आश्चर्य लगेगा, नेवर में आंटी रहती हैं और कितनी मतलब 60 साल की तो होंगी उस टाइम पे, अब तो और एज की हो गई, वो उसके भरोसे उनके भरोसे नहीं गई और बोलती है कि वो संभाल लेंगे। मतलब बड़ा आश्चर्य लगा भाई, वो अपना पोता पोती तो संभाल ली, तब यंग थी, उनकी बेटी के भी 2 बेटी हुए, यंग थी सब संभाल लिए, लेकिन अब देवरानी के जब बच्चे हुए तब तो वो एज हो गया था, उनको प्रॉब्लम भी था पूरा शरीर में, कमर में जो एक लेडीज़ का होता है, गले में भी प्रॉब्लम था उनका, फिर भी वो बोली कि नहीं, मैंने मेरे से उसने डायरेक्ट हेल्प नहीं मांगा था 9 महीना की आप कर देना, क्योंकि मैं तो जॉब करती थी तो मैं तो इतना छुट्टी ले नहीं सकती थी या इतना मदद कर नहीं सकती थी, A to Z जो काम होता है वो मैं कैसे करती। और फिर मेरा भी इलाज चल रहा था बच्चे होने का, तो इलाज तो खैर मेरा चल ही रहा था, तो फिर भी वो आंटी के भरोसे जब रह गई, तो भाई जब रह गई तो आप जबरदस्ती कैसे बोलोगे, मम्मी अलग बोलती थी कि भाई चले जाओ, अब मैं भी बार बार बोलूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं बोली चलो भगवान की मर्जी है। लेकिन खैर भगवान ने फिर आंटी की कोऑपरेट काफ़ी की अपने हिसाब से मदद, लेकिन फिर भी एज के हिसाब से वो उतना नहीं कर पाई। और वो मान लीजिए कोई नेवर के लोग या फ्रेंड कितना करेगा, हॉस्पिटल में ही करेगा ना, घर में जो सोचिए A to Z जो काम होता है, मतलब बच्चे का पूरा गंदा साफ करना, मतलब बहुत कुछ काम होता है, तो वो सब नेवर के भरोसे आप कैसे कर सकते हो, आंटी या भाभी या दीदी, मतलब दूर के रिश्तेदार को आप कैसे कह सकते हो कि भाई आप मेरा ये कर दीजिएगा, या माँ के जो इतने गंदे कपड़े होते हैं 15-20 दिन, तो सोचिए माँ का भी कितना गंदा कपड़ा होता है और कोई काम वाली नहीं। मतलब एक होता है ना कि चलो हमने आंटी को फाइनल किया, तो एक कम से कम गंदा काम करने के लिए, घर के सफाई के लिए, माँ बच्चे का गंदा साफ़ करने के लिए, इस ये सब के लिए तो काम वाली होना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन नहीं, वो भी नहीं रखी, और वो जब सर पे पड़ता है तो कौन नहीं करता है। तो जब मैं सामने देखी तो खैर मैं 15-20 दिन छुट्टी करके मैं कर दी, उसके बाद भी मैं 1-2 महीना मुश्किल से जॉब की, उसके बाद मतलब सोचिए 6-7 महीना एक बच्चे को, जैसे अटैचमेंट मुझे बहुत ज़्यादा फिर हो गया, धीरे धीरे कोई बोझ नहीं लगा, और मैं अच्छे से फिर कम से कम 5-6 महीने तो मैं आराम से नीचे रह के संभाल ली। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी जैसे हुआ था ना कि जब मेरे हस्बैंड का नाक का ऑपरेशन हुआ और उसमें मेरी बेटी को प्ले स्कूल से मैम ने ऊपर छोड़ दिया, मेरी देवरानी और मेरी मदर लॉ के घर में, और मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो मेरी किराएदार जब लेने आई तो मेरी बेटी को वापस कर दिए ये लोग। तो उस टाइम मतलब मैं बोली ना, भगवान ने मौका दिया था कि भाई इस तुम्हारे घर की बच्ची है, इसको संभालो कुछ दिन, तुम्हारी जेठानी जेठ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी नहीं संभाली। तो ऐसे ही मैं जॉब कर रही थी और वो बिल्कुल मतलब अकर कहिए या कुछ भी कहिए कि मैं तो फाइनल कर ली हूँ, आंटी ने बोला है वो पूरा संभाल देंगी, तो भाई फिर हम मुझे क्या पड़ी है, जब उसने फाइनल कर ही लिया है तो मैं अपना ऑफिस जाती। लेकिन नहीं, जिस दिन उसका डिलीवरी होना था उसने फिर बोला कि आप नहीं जाओ, मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो देखिए चाहती तो मैं दिन में ही उसका डिलीवरी हो गया था 2-2.5 बजे, उसके बाद मैं ड्यूटी ज्वाइन कर लेती ऑफिस,
क्यों? क्योंकि उसने तो आंटी को फाइनल किया था, और ऐसा नहीं था, अगर जैसे मेरी देवरानी ने किराएदार को बच्चे को भेज दिया मेरी बेटी को, तो देखिए मेरी बेटी संभल गई ना, रह ली आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो कसम से बोल रही हूँ, मेरी देवरानी का भी डिलीवरी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं था। मैं मानती हूँ कभी घमंड किसी इंसान को नहीं करना चाहिए कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, नहीं। मैं बार बार एक चीज़ बस बोलती हूँ कि जरिया भगवान बनाते हैं, अच्छा काम करने के लिए, बुरा काम करने के लिए। तो भगवान ने मेरी देवरानी के डिलीवरी को भगवान ने मुझे जरिया बना दिया, लेकिन जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया तो भगवान ने तो मौका दिया, लेकिन उस मौका को उसने यूज नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? खैर, वो उसकी सोच, उसकी फितरत, मैं नहीं बदल सकती हूँ। मैं कितना बार भी बोल लूँगी तो ना मेरा कर्म लौट सकता है, ना मेरी देवरानी का कर्म लौट सकता है, या जो भी सुन रहे हो, हर इंसान अपना अपना कर्म करता है, और अपने अपने कर्म के हिसाब से देखिए वक्त के साथ साथ फल मिलता है। क्योंकि आप बच्चे को देखिए, अपने ही हम खुद के बच्चे को कितना सिखाते हैं, हमारे माँ बाप देखिए कितना ज्ञान देते हैं, लेकिन हम कहाँ सीखते हैं, हमें लगता है कि हम सही हैं। तो मेरी देवरानी को भी फिलहाल 5 साल से बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो गया, कि जो भी मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी दोनों बेटी के साथ जो कर रही है, या लोगों से जो करवा रही है हमारे खिलाफ कान भड़का के या बोल के, तो वो उसका कर्म, वो जाने कि वो क्यों कर रही है। मुझे तो बस एक ही जवाब मिल रहा है, और आप लोग के साथ भी अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो बस जान लीजिए सिंपल सी बात, ये हमारे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अगर हमारा अच्छा रिश्ता रहा है देवरानी मदरिनलॉ या किसी के भी साथ, आस पड़ोस फ्रेंड किसी के साथ, तो वो भी हमारे पिछले जन्म में अच्छा कर्म रहा होगा। और अगर खराब रिश्ता हो गया है किसी के भी कारण, मान लीजिए किसी ने करवाया, या कोई जानबूझ के कर रहा है, या कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो वो भी सोचिए हमारा पिछले जन्म का कर्म होगा। तो ये सब मैं कहानी इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि मैं जितना मदद की उतना तो छोड़िए, वो 9 महीना उसने इसलिए मदद नहीं किया क्योंकि उसका 9 महीना आराम से गुजर गया, लेकिन मेरा बहुत मुश्किल पेन भरा था। तो फिर मैं एक तो गांव के लोग को बुला ली थी, टिकट भी कट गया था, लॉकडाउन में अपने आप कैंसिल हो गया। मेरी नानी, मामी, मामी के बच्चे, मतलब 4-5 लोग आते, अगर मैं मैके में जाती या यहाँ मामी नानी लोग आते ससुराल में, ऊपर मेरा सेपरेट घर है, तो वो लोग केयर करते, संभालते, आने तो मैं मैके में चली जाती, दोनों ये प्लानिंग था। लेकिन लॉकडाउन के कारण वो टिकट कैंसिल हो गया। अब प्लस वो लोग तो आते ही आते, और मम्मी तो संभालती संभालती, पास में मैके है तो क्यों नहीं संभालती बड़े अच्छे से, लेकिन तबीयत मम्मी का भी ठीक नहीं रहता है इस वजह से, और मेरी नानी का बहुत सालों से सपना था कि मैं दोबारा माँ बनूँ, तो इस वजह से मैं नानी मामी लोग को भी बुला रही थी। अब प्लस मैं एक काम वाली भी देखी, हाँ ये स्टोरी यहाँ पे था, जो डिलीवरी के टाइम पे काम वाली गई मेरे साथ, तो वो कहाँ से आई अचानक, लॉकडाउन में कोई काम वाली तो मिलता नहीं। तो मैं ना फरवरी में ही 7वें महीने में, जब डॉक्टर बोला कि मतलब तैयार हो जाओ, कभी भी हो सकता है क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ ज़्यादा ही रहता है, तो इस वजह से मैंने 7वें महीने में क्या किया, काम वाली जो पहले था वो तो गांव से आई नहीं, लौटी नहीं, फिर मैंने दूसरा काम वाली 2-4 लोग को बोल के, तो हाँ एक बात ध्यान से वो रह गया कि देवरानी जब मेरे से मिलने आती थी, जब मेरे को पेन में देखती थी, परेशान देखती थी, खाना नहीं बना पाती थी, और काम वाली के जब मैं चर्चा करती थी, तो वो बस थोड़ा सा हंस के, जैसे होता है टोन भी बोल सकते हैं कि, फिर मेरे से उसने बोला, देवरानी ने खास कर, मुझे अच्छे से याद है कि आप तो कहीं आते जाते हो नहीं, आपको तो काम वाली मिलेगा नहीं। तो मैं बोली हाँ, हस्बैंड को भी बोली हूँ और भी 2-4 लोग को बोली हूँ, देखो अगर कोई मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन हाँ अभी तक तो नहीं मिल रहा है। तो वो बोली कि कोई नहीं, मैं बाहर जाती हूँ, मैं देखूँ आपके लिए काम वाली। तो मैं उसके मुंह पे कुछ नहीं बोली, बड़ा मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा कि ये मेरे लिए काम वाली फाइनल करेगी, लेकिन वैसे मदद नहीं करेगी, क्योंकि मैंने 9 महीना डायरेक्ट पूरा तो उस हिसाब से मदद किया नहीं, बस खाने पीने का ही मदद किया। तो मैं मन में बोली, कोई नहीं, अगर तुम कुछ और वैसे मदद नहीं कर सकती हो तो कोई बात नहीं, ये काम वाली भी मैं मतलब
ढूंढ लूँगी। बाकी मैंने ऊपर मन से बोला, अच्छा ठीक है देखो अगर कोई मिलता है, लेकिन संजोग से मैंने किसी और को बोला था, तो दो तीन काम वाली मैंने फाइनल कर लिया, दो तीन लोग का नंबर ले लिया, और इस बच्ची का जो जो साईं बाबा ने भेजा था और जिसकी मदद से मेरा सारा, सोचिए भगवान, मतलब चाहे देवरानी या किसी के चरणों में या नज़रों में नहीं झुकने दिए, सिर्फ इस काम वाली की वजह से, और फाइनल मैंने कर लिया। लेकिन क्योंकि लास्ट में कहते हैं ना कि थोड़ा काम करने से ठीक रहता है, और फिर उस वजह से मतलब मैं काम करने लगी थी थोड़ा थोड़ा, और फाइनल कर ली थी कि जब ज़रूरत होगा तो बुला लेंगे, पैसा वैसा जो भी होता है 24 घंटे रहना। और मैं बोली कि देखो चाहे मेरे घर वाले तो पूरा मदद करेंगे, लेकिन तुम क्योंकि सही बोलूं, देवरानी की भी मैं गलती नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये शादी के 20 साल बाद मैं माँ बनने वाली थी और भगवान के पास से पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं शौक से डिलीवरी और बच्चा जो भी है करना चाह रही थी, और चाहे अगर मैं ससुराल में रहती देवरानी मुझे मदद करती, चाहे मामी नानी मेरी मम्मी मदद करती, तो मैं चाह रही थी कि सब लोग बच्चा के साथ टाइम स्पेंड करे, खेले और मतलब इंजॉय करे, और जो काम वाली है जो एक्स्ट्रा जो होता है, जो गंदगी चीज़, मुझे अच्छे से याद है कि देवरानी का जो गंदा कपड़ा होता है या बच्चे का जो भी काफ़ी महीनों तक जो मैं सूसु पोटी वगैरह जो भी एक होता है माँ समझ के, बड़ी माँ समझ के जो मैंने किया, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी देवरानी के सर पे आए, क्योंकि देखिए हर इंसान ना सेम नहीं होता है, हिचकिचाहट हर एक इंसान का होता है, और मुझे उसका नेचर पता था। जब उसकी शादी हुई थी तो उस टाइम मेरी बड़ी बेटी थी और 3 साल की थी, प्ले स्कूल जाती थी, देवरानी के नहाने से पहले नहा लेती थी, तो एक जो पैंट बनियान सिर्फ होता था, बाकी तो बाहर के कपड़े में बाद वीक में एक ही बार धोती थी, तो मुझे अच्छे से याद है वो पैंट बनियान साफ़ कपड़ा भी नहीं धोती थी, तो सबका अपना नेचर होता है। लेकिन उसके बाद जब मेरी देवरानी का बेटी हुआ तो ऊपर जब भी भेजती थी 2-3 पैंट में मंगवा लेती थी, सूसू की पोटी की घंटा 2 घंटा, छुट्टी के दिन में तो 4-4, 5-5 घंटे रहती थी, तो मुझे तो आदत था, तो मुझे अच्छा लगता था, तो मैं तो एक बार भी नहीं बोलती थी कि भाई फ़ोन करके कि भाई सूसू पोटी कर ली है आकर साफ़ कर लो, क्योंकि ये सबका अपना सोच नेचर होता है। तो ऐसे ही मैं उसके बेटे में भी की, तो मुझे याद था कि वो ये सब शायद नहीं कर पाएगी, और करे ना करे अगर काम वाली, भगवान ने पैसा दिया है, अगर हम काम वाली अगर रख लेते हैं, खासकर मिल गया है तो क्या दिक्कत है, और देवरानी अपना ससुराल में जो काम होता है सास ससुर के, मुझे भी खाना का मदद मान लीजिए कर देती, अपने घर में सबका खाना वाना बनाती, तो ये सोच के, क्योंकि देखिए जब बच्चा होता है ना, मैं जानती हूँ और हर एक इंसान जाता है उस घर में बहुत एक्स्ट्रा काम होता है, तो एक लोग को तो बच्चे और माँ के साथ ही रहना पड़ता है, बाकी घर का भी काम होता है, तो मैंने सोचा जैसे मतलब देवरानी में मैंने संभाला, ऐसे ही मान लीजिए देवरानी भी संभाल देगी, लेकिन काम वाली रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जब मेरे मामी नानी लोग को भी मैंने फाइनल किया, उसके सामने ही मैं बताई कि टिकट कट गया है, तो फिर भी वो इतना नहीं हिचकिचाई, नहीं बोली कि भाई मैं तो थी मैं कर देती, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में खैर उसने बोला डिलीवरी के टाइम पे भी बोला मैं भी चलूँगी।